स्ट्रेट टू स्कूल बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो कि कभी स्कूल ही नहीं गए होते हैं, जो कि कभी इन्होंने पेंसिल होल्ड भी नहीं किया होता, तो उन बच्चों को हम पढ़ा रहे होते हैं, चाहे वो प्री स्कूल की एज का हो या वो 8 साल से क्रॉस कर गया हो, उनको हम इतना पढ़ा देते हैं ताकि वो अपने फॉर्मल एजुकेशन के लिए पब्लिक स्कूल्स को ना ज्वाइन कर सकें, ताकि वो आगे मूव ऑन हो सकें और अपने जो ना तालीमी करियर है उसको कम्प्लीट कर सकें, कम अज़ कम मैट्रिक तो कर सकें वो। हमारा मेन एम ये है कि ये बच्चे जो अपनी एजुकेशन है वो पब्लिक स्कूल में कवर अप करें और पब्लिक स्कूल्स में इनरोलमेंट बढ़े, ताकि जितना हमारा पैसा जो हम टैक्सेस में दे रहे हैं वो वेस्ट ना जाए। जब फैसिलिटीज़ मौजूद हैं गवर्नमेंट स्कूल की और फिर जब बच्चा जाता नहीं है तब भी टीचर भी स्कूल जाता नहीं, बहुत सारे मराहल फिर देखने पड़ते हैं हर किसी को। स्ट्रीट टू स्कूल एक बहुत यूनिक और अच्छा इनिशिएटिव है जो कि स्लम एरिया पे ही बेस्ड है और स्लम एरिया के बच्चों को ही टारगेट किया हुआ है इन्होंने, और जिस तरीके से वो उनको एजुकेट कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको ट्रेन कर रहे हैं फ्रॉम पेंसिल हैंडलिंग टू यू नो मोंटेसरी एंड केजी, तो वो एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटरी जर्नी है एक बच्चे के लिए। और इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने अपना इस इनिशिएटिव को मॉनिटर करके रखा है, रेगुलेट करके रखा है, वो भी बहुत काबिले तारीफ है। स्ट्रीट टू स्कूल की स्टार्टिंग थी कि जब एक ग्राउंड था वहाँ से उन्होंने शुरुआत ली, उसके बाद आहिस्ता 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 अब वो एक बिल्डिंग को रेंट करके 100 बच्चों को तालीम दे रहे हैं ना, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक छोटे से तबके को ऊंचाई की तरफ ले जाने की। देखिए आजकल के जो भी यूथ है या फिर वो बंदा जो कि जिसके पास तमाम सहूलियात मौजूद हैं, नेमतें मौजूद हैं, बस उसका शुक्र अदा करने के लिए विजिट एटलीस्ट करना चाहिए ऐसे इदारों को, ताकि आपके पास अगर ने जितना कुछ भी दिया है ना वो ना शुक्री आपके अंदर नहीं है, आप में एक शुक्रगुजारी हो अल्लाह की, हाँ मुझे मेरे पास इतना मौजूद है। क्योंकि आजकल के माहौल के अंदर बच्चों के अंदर भी ना शुक्री इसलिए आ रही कि सब कुछ होने के बाद भी ये नहीं है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको अपने बच्चों को ऐसे इदारों में लेकर आना चाहिए ताकि वो देखें कि उनके पास क्या है और क्या नहीं हो सकता था। सदका जारिया पे इंसान का फोकस होना चाहिए कि मरने के बाद भी उसका सवाब मिलता रहे, अगर एक बच्चा पढ़ लिख लेगा तो आगे 7 नस्लों तक वो चीज़ कंटिन्यू होगी, तो सदका जारिया भी होगा।